नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अगाउना लेक्चर में आपने भणी चुकेला खोरापणु आजना आवे पाठ पूर्ण करवा तरफ आपने जे यूनिट छे कम्प्लीट करवा तरफ आपने आजे आगळ वधीए। तमारी सामे जो आटला जे पॉइंट छे आटली बधी प्रक्रियाओ जे छे ए पूर्ण थशे एटले तमारो यूनिट जे छे कम्प्लीट थई जशे। त्यार पछी हुं तमने दरेक विद्यार्थीओने लास्टमां प्रक्रिया जे छे समीकरण संतुलित केम करवुं, रासायनिक समीकरण केम बनावुं छे शुं, साव सिम्पल रीतना समजावीश। पण ते अगाउ आपणे आ वस्तुओ जे छे आ जे प्रक्रियाओ जे छे ए जोई जोईए। तो खास दरेक विद्यार्थीओ जोईए के आपणा जे यूनिट नंबर पहेलुं छे तेमां छे रासायनिक प्रक्रियाओ अमुक आपेली छे ना तेना विषय नो अभ्यास करवानो छे। तो नंबर वन पेलू रासायनिक प्रक्रिया मां पेली प्रक्रिया तमने लोको ने देखाती हशे बोर्ड उपर नुं जे लखाण छे तेमां के संयोगीकरण नी प्रक्रिया। नंबर टू विघटन नी प्रक्रिया। नंबर थ्री विस्थापन नी प्रक्रिया। नंबर फोर द्विविस्थापन नी प्रक्रिया। नंबर फाइव उष्मा शोषक प्रक्रिया। नंबर सिक्स उष्मा क्षेपक प्रक्रिया। एक उष्मा शोषक छे ने एक उष्मा क्षेपक छे। तो आटली प्रक्रिया विषय नो जे अभ्यास छे विस्तृत रीतना आपने करवानो रहेशे दरेक विद्यार्थीओए। तो आजना लेक्चर में आपणे बे प्रक्रिया विषय नो अभ्यास करवानो छे। एक तो छे उष्मा शोषक प्रक्रिया, बीजू छे उष्मा क्षेपक प्रक्रिया। तो दरेक विद्यार्थी मित्रों खास एक सूचना के सौ प्रथम तो आ दरेक प्रक्रियाओना जे नाम छे याद रखो, आ फेसबुक में एक बार लखी लेजो। त्यार बाद नू जे आ संपूर्ण माहिती छे लखाण छे दरेक प्रक्रियाओ समझावीश तेमां लखीश ते पण साथे साथे लखती जावी। अने तमारुं होमवर्क फरी पाछुं कही दऊं छुं, ऊपर नंबर लखेला छे ते नंबर ऊपर दरेक विद्यार्थीओ मोकली आपवा। घणा विद्यार्थीओना होमवर्क बाकी छे हालना समयमां, तो आवी रीतना जे वर्क करशो तो ना चाले। डेली टू डेली वर्क तमारे विद्यार्थीओए करवानुं रहेशे। तो आजना દરેક વિદ્યાર્થીઓને ફરી પાછું એકવાર રિમાઇન્ડર ફરી પાછું યાદ કરાવી દઉં છું કે હોમવર્ક છે એકવાર લખી ફેસબુકમાં અને મને તેની પીડીએફ શક્ય હોય જો આવડતી હોય તો તે બનાવીને અથવા ફોટો મને મોકલવાનો રહેશે, બરાબર છે? તો તમે જોઈ શકો છો તમારી સામે આ લખાણ છે રાખું છું જેથી કરીને તમે દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો તેને લખી શકો।